तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्टा पीडी ऑफिशियल में। दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो जियो फोन नेक्स्ट जो है नया एंड्रॉयड फ़ोन जो स्मार्टफोन यहाँ पे लॉन्च हुआ है दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा कि हमारे अंबानी जी है उन्होंने लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये हमें कैसे प्राप्त होगा और इसकी प्री बुकिंग कब चालू होगी, क्योंकि दोस्तों वैसे ये 10 सितंबर से अवेलेबल हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों, इसके फीचर्स क्या हैं और ये कितने तक का अवेलेबल होगा। दोस्तों आइए देखते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलायंस जियो ने इसी साल जून में अपनी 44वीं वार्षिक आम बैठक में दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन जियो, यहाँ पे लिखा है जियो फोन नेक्स्ट, पेश किया है। हालाँकि फ़ोन की कीमत और फीचर्स के बारे में खास जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है, मगर यह है कि सबका अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है जियो फोन नेक्स्ट को रिलायंस जियो और गूगल ने, मतलब रिलायंस जियो और गूगल के साझेदारी में तैयार किया गया है इसको। और यहाँ पे देखिए जियो फोन नेक्स्ट की जो है बिक्री भारत में 10 सितंबर से शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 10 सितंबर से शुरू हो जाएगी, और उससे पहले फ़ोन के फीचर्स, यहाँ पे मतलब उससे पहले फ़ोन के फीचर्स को लेकर लगातार रिपोर्ट सामने आ रही, मतलब लीक रिपोर्ट सामने आ रही है। इसको देख सकते हैं, कुछ दिन पहले ही फ़ोन के कुछ फीचर्स सामने आए थे, और अब जियो फोन नेक्स्ट की कीमत को लेकर भी एक लीक रिपोर्ट सामने आई है, ठीक है दोस्तों। मतलब कीमत को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, आइए इसके बारे में हम लोग अधिक जानते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कीमत की बात करें तो यहाँ पे लिखा है टिप्स्टर योगेश के मुताबिक जियो फोन नेक्स्ट की कीमत, यहाँ पे जो जियो फोन नेक्स्ट की कीमत 3499, मतलब कि 3500 का यहाँ पे आपका भारत में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसकी जो बिक्री है 10 सितंबर से शुरू हो जाएगी, और इससे पहले सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जियो फोन का नेक्स्ट की कीमत मतलब कि $50 से कम ही होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपने इंडिया से बाहर $50 से यहाँ पे कम होगी, ठीक है दोस्तों। और अपने इंडिया में जो है यहाँ पे 3500 के लगभग यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं इसके बारे में, फीचर्स के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए जियो फोन नेक्स्ट में एंड्रॉयड 11 गो एडिशन मिलेगा आपको, यहाँ पे मतलब एंड्रॉयड, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एंड्रॉयड 11 गो एडिशन, यहाँ पे मतलब ये एक वर्जन है एंड्रॉयड वर्जन, आपको यहाँ पे ये वर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अलावा फ़ोन में 5.5 इंच की HD डिस्प्ले, फुल HD नहीं मगर HD डिस्प्ले है, रेंज के हिसाब से बहुत अच्छी डिस्प्ले दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसमें क्वालकॉम QM212 प्रोसेसर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये देख सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो वेरिएंट है आपका 2-3 GB रैम में, 2 या 3 GB मतलब कि दोनों वेरिएंट, दोनों 2 GB और 3 GB रैम में भी आपको यहाँ पे उपलब्ध होगा। और यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो 16 GB और 32 GB स्टोरेज यहाँ पे आपको मिलेगी, मतलब कि दो यहाँ पे 2 16 हो सकता है और 3 32 हो सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे और देखिए, इसमें लिखा हुआ है ग्राफिक के लिए यहाँ पे एड्रेनो 308 GPU मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिक्स इसकी बहुत ही अच्छी रहेगी, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में देखते हैं और आगे दोस्तों, यहाँ पे और देख सकते हैं जियो फोन नेक्स्ट में 13 MP का रियर कैमरा होगा, मतलब कि पीछे का जो कैमरा है 13 MP का होगा, और 8 MP का फ्रंट कैमरा होगा, ठीक है। मतलब कि सेल्फी कैमरा 8 MP का होगा यहाँ पे। और देखते हैं यहाँ पे, साथ ही फ़ोन मतलब कि वोल्टी, मतलब डुअल वोल्टी सपोर्ट मिलेगा आपको, यहाँ पे डबल 4G सिम आप यहाँ पे रख सकते हैं, और डबल वोल्टी मतलब दो जियो के सिम एक साथ चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए 2500 mAh की बैटरी मिलेगी आपको यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए S5 लाइट मॉडल, मतलब S5 लॉट फोन में S5 लाइट मॉडल का सपोर्ट होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक मॉडल डाला हुआ है इसका, S5 लाइट मॉडल का सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ जो है दोस्तों V4.2, अभी ये ब्लूटूथ वर्जन डाला हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसमें देखिए GPS मिलेगा आपको दोस्तों, यहाँ पे GPS तो हर मोबाइल में कंसेप्ट हो गया है, तो यहाँ पे आपको GPS मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आगे बढ़ के देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं जियो फोन नेक्स्ट के कैमरे के साथ गूगल लेंस का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। मतलब जो कैमरे के साथ आपको गूगल लेंस का सपोर्ट भी मिल जाएगा,
यहाँ पे आप कोई भी चीज़ स्कैन कर सकते हैं, जैसे बार कोड है या कुछ भी है उसको यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई तरह के फिल्टर्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, और कैमरे के साथ पोर्ट्रेट मोड भी मिलेगा, मतलब कि ब्लर मोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। पोर्ट्रेट मोड और कैमरे के साथ यहाँ पे स्नैपचैट का फिल्टर भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों, स्नैपचैट का फिल्टर भी मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे जियो फोन के नेक्स्ट गूगल असिस्टेंट आपके इशारे पर म्यूजिक प्ले करेगा, मतलब यहाँ पे ऐसा फीचर्स दिया हुआ है कि जो गूगल पे आप बोलोगे तो वहाँ पे आपको म्यूजिक प्ले करेगा, वीडियो प्ले करेगा, जो भी कहोगे आपके मतलब कि गूगल असिस्टेंट के सहारे चलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं माई जियो ऐप्स भी यहाँ पे ओपन करेगा, ठीक है दोस्तों। मतलब कि ये जियो का फ़ोन है तो माई जियो ऐप्स तो होगा ही होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे माई जियो ऐप भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, तो दोस्तों इसके बारे में दोस्तों इतनी ही जानकारी थी मेरे पास। और दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों लाइक ज़रूर करें आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, ऑल पे प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा ऐसी वीडियो आपको ज़रूरत की वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। तो आपको मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।